अड्डा 24/7 IAS, सपनों से हकीकत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे साथ निधि शुक्ला जी हैं, UPPCS टॉपर रैंक 8, और बतौर अब एस्पिरेंट से और SDM बनने का जो सफर है अभी हम लोग जिक्र करेंगे। तो मैं बस बताना चाहता हूं आप लोगों से कि ये वीडियो मैं और मैम हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है कि आपको अगर कहीं पे भी डाउट आता है या आप UPPCS की तैयारी में कहीं पर भी आप फंस रहे हैं तो मे बी आप शायद निधि मैम की ये बातें सुनकर शायद आपको वो स्ट्रैटेजी पता चले या फिर क्या नहीं करना चाहिए वो पता चलेगा। सो निधि, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 IAS PCS के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक UPSC टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको IAS IPS की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए UPSC CSE का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद। जय हिंद नाम का कोड यूज करिए, इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। आप अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ कैसे बदली है इन 2-3 हफ्तों में? हाँ सर, वो पूरा जो स्ट्रगल था वो ऐसा लग रहा है कि अब काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिला है, तो ऑब्वियसली खुश तो बहुत ज्यादा हूँ। और स्पेशली जो फैमिली की हैप्पीनेस है वो तो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। तो जी, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा अटेम्प्ट थर्ड था, सेकंड इंटरव्यू था मेरा। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था जो कुछ ही मार्क्स से मतलब रह गया था। ओके, फिर तो काफी और क्वेश्चंस बन सकते हैं पूछने के लिए। और आपने कभी UPSC भी दे रखा है? हाँ सर, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2021 में दिया था, जब मैं 21 ईयर्स की हुई थी। ओके, ठीक है। सो निधि, एक जनरल आपका बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे, हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे जो ऑडियंस है, आप कहाँ से आती हैं और क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन एंड ऑल? जी सर, मेरी इनिशियल एजुकेशन जो थी वो छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी, वहाँ पे कोरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे के एक छोटे से गांव में। और वहाँ पे मेरे पापा की जॉब थी, पापा की क्लर्क की वहाँ पे जॉब थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ से मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी और वो बाकी चीजें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 10th तक की मेरी एजुकेशन वहां पे कंप्लीट हुई, उसके बाद 10th में फादर की डेथ हो गई थी, सो वहां पे पापा की जॉब हट गई, तो देन वी हैव टू शिफ्ट टू दी आवर एंसेस्ट्रल होम, दैट इज मतलब अयोध्या में आ गए हम लोग। फिर वहां से मैंने अपनी 11th-12th की पढ़ाई, फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी और जीजाजी के साथ रह करके, क्योंकि उनका शहर में घर था, हमारा घर गाँव में था, तो शहर में रह के मैंने अपनी 11th-12th एंड फर्दर जो ग्रेजुएशन की स्टडीज थी उसको कम्प्लीट करी। अब ग्रेजुएशन में मैंने BA किया हुआ है सर, उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री था, सोशियोलॉजी था एंड ये था इंग्लिश था। फिर उसके बाद जब मैंने ये अवध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया, देयर आफ्टर आई डिड माय मास्टर्स, तो मास्टर्स मेरा लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है 2023 में कंप्लीट हुआ है सर। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी एकेडमिक्स की। एंड प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने 1 साल इलाहाबाद में ली थी कोचिंग VAIAS से, और उसके बाद वहां पे चूंकि ऑप्शनल की फैकल्टीज मुझे बहुत ठीक नहीं लगी थी, तो देयर आफ्टर आई स्विच टू दिल्ली। फिर दिल्ली में मैंने जो फर्दर प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट करी थी, और यहाँ से मैंने ऑप्शनल की क्लासेस ली थी, बट उसके लास्ट ईयर तो ऑप्शनल ही हट गया, तो फिर उसका कोई मतलब रहा नहीं उतना सर। तो ये मतलब पूरी जर्नी थी। और मैंने टेस्ट सीरीज की थी, तो वो मैंने MAKE IAS से की थी, उन्होंने मतलब काफी अच्छे से फीडबैक और सारी चीजें हेल्प करी मीन्स के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो सर ये ओवरऑल एक प्रिपरेशन का जो फेज था वो इस तरीके से था। आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? सर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अच्छा, आरएमएल अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से। ओके ओके। एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि निधि, जब वो घर में इतना बड़ा हादसा हो गया था, सो आप सिस्टर के यहाँ रह रहे थे, बहुत सारे ऐसे मतलब ये एक मैसेज भी मेरे ख्याल से जाना चाहिए कि कहते हैं कि रिश्तेदार या फिर अपने भाई बहन के यहाँ रह के या फिर जो मैरिड है वहां पे पढ़ाई नहीं होती है या फिर बहुत टॉन्ट होता है, सो
कितना सपोर्ट था सिस्टर का और फिर जिया जी का आपके इस पूरे ड्यूरेशन में? सर सपोर्ट की अगर बात करें तो मतलब मेरे लिए शायद उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हेल्पिंग हैंड होता है, एक सपोर्ट सिस्टम आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि पापा के बाद अगर कोई एक फादर का रोल जिसने बहुत अच्छे से निभाया वो मेरे बड़े जीजा जी थे और बड़ी दीदी थी। मतलब मुझे एक पर्सन भी फील नहीं होता था कि मैं किसी और घर में हूँ या कैसे भी, और पूरे तरीके से मुझे उन्होंने अपने बच्चों बच्चे की तरह पाला। क्या बात है, आई एम श्योर ऐसे भाई जीजा दीदी सबको दें, और आई थिंक उनके परवरिश का ही नतीजा है कि आप एकदम खुले दिमाग से और एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई किया, और वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर घर में ही प्रॉब्लम होती है तो फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ग्रेट, अगर हम तो ये सिविल सर्विसेज का कहाँ से आया था, मतलब किसी को देखा था आपने, किसी का सपना था या क्या था? जी सर ये शुरुआत होती है 9th-10th का एक फेज था, तो मैं 9th-10th में थी तो पापा ने जैसे शुरू में कहा था कि मैंने पूछा था पापा सबसे अच्छी जॉब क्या होती है, तो पापा ने जस्ट कहा था कि बेटा ऑफिसर्स की जॉब अच्छी होती है। पर 10th में जब पापा सडनली चले गए तो मुझे वो उनकी एक बात स्टक कर गई कि मतलब मुझे फिर अब जैसे होता पापा का सपना पूरा करना है उस टाइप से। फिर मैंने मतलब उसमें हुआ कि शुरुआत से ही, फिर मैंने 12th के बाद से NCERT सारी उठाई, उनको रिवाइज किया, उनके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, और प्रॉपर तरीके से जो होता है एक प्रॉपर चैनल उसके थ्रू जिसने जो भी बताया सीनियर्स ने या नोन में किसी ने तो वो फॉलो करते गई, और फिर मतलब सारी चीजें। सो ये आपने काम 12th से ही शुरू कर दिया था? सर 12th के बाद से मैंने NCERTs पढ़ना शुरू कर दी थी क्योंकि बेसिक्स मेरे उतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। गाइड कौन कर रहा था उस टाइम पे, मतलब कि ये करो उस टाइम पे? हाँ सर उस टाइम पे मेरे मामा जी उनके बेटे थे यहाँ पे, वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे। अच्छा। तो उन्होंने बस मुझसे जैसे बोला था कि NCERTs कंप्लीट कर लो, तो फिर मतलब मैंने वो पूरा एक साल रगड़ के अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ NCERTs मतलब अच्छे से कर ली थी सारे सब्जेक्ट्स की। ओके ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मतलब फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। जी सर मतलब बिल्कुल 360 डिग्री, इधर मामा जी हैं, उधर दीदी जिया जी हैं, आई एम श्योर वो लोग बहुत नाज करते होंगे आप पे। और क्या उनको लगता था कि मतलब लड़की कुछ कर जाएगी या फिर? हाँ सर एक्चुअल में उन्हें तो बहुत ज्यादा बिलीव था, तभी उन्होंने मतलब इतनी लंबी जर्नी मुझे तय करने में हेल्प करी है, स्टार्ट करवाई। अदरवाइज सिविल सर्विसेज तो इतना ज्यादा लूप होल है कि उसमें ऐसा लगता है कि फंस गया तो फिर कहाँ जाएंगे, वैसी वाली सिचुएशन। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मेरी बीच वाली दीदी छत्तीसगढ़ में रहती हैं। okay. तो उनका बहुत सपोर्ट था, उन्होंने जैसे मुझे बताया कि डायरी राइटिंग इनिशिएट करो, जैसे इनिशियली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी या बहुत सारे थॉट्स चलते थे, तो शी सजेस्टेड मी कि जस्ट राइट डाउन जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स है या डे की चीजें हैं। तो जैसे मेरे डायरी राइटिंग की हैबिट उन्होंने बहुत अच्छी मतलब डलवाई थी, तो 2017 से मतलब मैं कंटिन्यूअसली डायरी राइटिंग कर रही हूँ, जब भी कुछ स्पेशल होता था या कुछ भी नेगेटिव फील होता था, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है डायरी राइटिंग में। आज भी करते हैं? हाँ सर अभी भी। मेरे हिसाब से ये होता है कि मतलब मैं भी डायरी राइटिंग करता हूँ, और बस एक ये होता है कि कहीं वो डायरी कोई पढ़ ना ले तो ये भी है तो ये एक रहता। लेकिन हाँ वो कहते हैं ना, गालिब का एक शेर था कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सुलझाया जाए, तो वो यही था कि डायरी राइटिंग खुद ही से खुद को हम समझा रहे हैं। सो बहुत अच्छा एक टेक्निक है, आपके सिस्टर ने बहुत अच्छी चीज बताई थी। साइमल्टेनियसली ये जर्नी, अब आपका पहला अटेम्प्ट UPSC का था या PCS का था? सर उस टाइम मेरा पूरा फोकस UPSC था, लेकिन उस बार भी मैंने PCS दिया था, लेकिन PCS मैंने मतलब बस दे दिया था एग्जाम, मुझे था कि इस बार UPSC का अच्छे से देना था, सीरियस अटेम्प्ट था वो। फिर सर उस टाइम हुआ नहीं उस ईयर UPSC का, और नेक्स्ट ईयर मेरा PCS का प्रीलिम्स हो गया था, तो फिर सबने सजेस्ट किया कि पहले एक जॉब पे फोकस कर लो और फिर उसके बाद फिर UPSC के लिए, तो अभी तुम्हारे पास एज भी है, टाइम भी है, तो फिर सर मैंने फिर PCS पे ही मतलब फोकस किया। 22 का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, 23 का भी मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था। मतलब अगर मैं समझूं तो तैयारी तो आपने UPSC लेवल की थी? हाँ सर इनिशियली तो था इंक्लिनेशन की UPSC देना है, बट फिर बाद में एक अर्जेंसी हुई कि अब जॉब की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो फिर PCS पे थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन गया था। अच्छा एक बात बताएं आप निधि, जब आपका इंटरव्यू इससे पहले वाले इंटरव्यू में क्रैक नहीं हुआ था जी, तो ऐसा नहीं लगा था कि सब छोड़ दें?
सर ऐसा मतलब मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब मेरे अच्छे और बुरे दोनों ही टाइम्स में, तो जैसे मेरे घर पे सबने समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ चीजें लूप कुछ कमी रह गई होगी, और फिर मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ फॉल्ट होगी, मिस्टेक्स होगी। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने उसको बहुत ही मतलब बिट्स एंड पीसेस में देखा कि क्या गलतियां थी क्या थी, और मेरे एक फ्रेंड है चेतन जोशी, उसने मतलब काफी हेल्प करी क्योंकि वो भी इस जर्नी में है, तो मेंस के आंसर देखना चेक करना, तो एक अच्छा खासा फीडबैक मिलता गया, तो इम्प्रूव एट द लास्ट हो गया था सर। ओके, मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा इसी जर्नी से रिलेटेड। एक, क्योंकि आपने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है पीसीएस का, प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या फॉलो कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे बेसिकली आप? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने मतलब 2-3 चीजें बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट रखी थी कि मुझे उनसे मतलब बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होना है, 2-3 चीजें ही मेरी फिक्स थी। पहला तो मेरी यूसेंट बुक, उसको तो मतलब मैंने एज अ बाइबल मान के बैठी थी, क्योंकि मतलब मोटी मोटी बुक्स मैंने पहले पढ़ रखी थी, लेकिन अगर मुझे फैक्ट का कंसोलिडेशन चाहिए तो वो मुझे ल्यूसेंट में मिल सकता है। अदरवाइज मतलब अगर मैं स्पेक्ट्रम लेके बैठती हूँ तो मुझे 4 दिन उसमें लग जाएंगे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी लेके बैठती हूँ तो 4-5 दिन उसमें लग जाएंगे, तो दैट वॉज नॉट द बेटर यूज ऑफ टाइम फॉर मी। तो आई टुक ल्यूसेंट बुक और फिर मैंने उसको मतलब बिल्कुल थरली, वो बिल्कुल ही फटने की कगार पे ऐसा मैंने पढ़ रखा है उसको, तो एक तो मेरा था ल्यूसेंट पे। फिर दूसरी चीज ये कि लोग पूछते हैं ल्यूसेंट में क्या सब पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जैसे जो आपको ज्यादा वैल्यूएबल लगे, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपको एंशियंट जैसे बहुत हाईली फैक्चुअल है, एंशियंट को थोड़ा सा आप हटा सकते हो उसमें से, मेडिवल से क्रोनोलॉजी ठीक दी तो मेडिवल शुरू कर सकते हैं, मॉडर्न में क्रोनोलॉजी अच्छी है तो मॉडर्न में देख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी मुझे उसकी काफी ठीक लगी, स्पेशली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, और उसके साथ इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ टर्म्स हैं तो वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन जो कुछ चीजें मुझे लगी थी इंपॉर्टेंट वो मैं हाईलाइट करते चली गई थी कि ये चीज पूछ सकती है, कोई बुक का नाम है किसी इकोनॉमिक्स में लिखी है, तो वो चीजें मतलब मेरी स्पीड वाली चीजें रहती थी उसमें। फिर पॉलिटी में मैंने आर्टिकल सारे याद किए थे, जैसे सब कहते हैं घटना चक्र पॉलिटी की करनी होती, मैंने घटना चक्र पॉलिटी की नहीं करी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट की पॉलिटी याद करी थी। तो ल्यूसेंट बहुत ज्यादा हेल्प करी पहली चीज जो थी बेसिक्स के लिए। फिर सर दूसरा आता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में जैसे होता क्या कि बहुत ज्यादा सोर्सेस आते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन मैंने अपने सेकंड प्रीलिम्स से मैंने एडुटेरिया की मैगजीन ली थी, तो उस एडुटेरिया की मैगजीन से मैंने मतलब एक्चुअली वो होती बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, लेकिन उसके बाद फिर आपको कहीं देखना नहीं पड़ता किसी भी फैक्ट और चीजों के लिए, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और वो मैंने मतलब रोज मेरा टारगेट होता था कि सुबह उठ के कि मुझे आज एक दिन में ये बुक का इतने पेजेस खत्म करने, या पेज नहीं भी तो एटलीस्ट ये पूरी बुक खत्म करनी है रफली बस, तो वो मैं रफली देखते देखते जब मैं मतलब 10वीं 12वीं बार देखी तो वो रफली पूरी याद हो चुकी थी मुझे कि कौन सी बुक का क्या नाम है। और दूसरे निमोनिक्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये सही कहा, निमोनिक्स के फैक्ट्स को आपको रटना है तो आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को जान के नहीं कि हम लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो निमोनिक्स का बेटर यूज है स्टिकी नोट्स, जैसे मेरे पहले मेरे रूम पे सारी जगह पे स्टिकी नोट्स आपको चिपके मिलेंगे, कहीं पे कोई फैक्ट लिखा है, कोई रिपोर्ट किसने रिलीज करी वो लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लर्निंग में आती है कि आप विजुअलाइज करो और विजुअलाइजेशन के थ्रू आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, तो प्रीलिम्स बेसिकली ये है। तीसरा मैंने मैप्स का काफी यूज किया था, जैसे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैप के बेसिस पर सॉल्व हो जाते हैं, जैसे यूपी में ही है, अगर फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है कि यूपी में जो पल्सेस का कल्टीवेशन है वो किस पर्टिकुलर रीजन में होगा, तो अगर आपको नहीं भी पता है लेकिन आपको पता है कि जो बुंदेलखंड रीजन है वो प्लेटी रीजन है, वहां पे ज्यादा ज्यादा जो पल्स का कल्टीवेशन होगा वो होने के चांसेस है, तो आप उस बेसिस पे थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स में सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रीलिम्स में आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन, ये 2-3 चीजें मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ल्यूसेंट हो गया सर, एक मैंने एडुटेरिया बताई, लेकिन एडुटेरिया के फैक्ट्स तब तक आपको याद नहीं हुए जब तक आप करंट अफेयर्स के MCQs नहीं लगाएंगे। और MCQs में होता क्या है कि आपकी रिवर्स लर्निंग हो जाती है, जो आपने पढ़ा है उसी को आप फिर आप अप्लाई करते हो। तो उसके लिए सर मैंने घटनाक्रम एक पब्लिकेशन की MCQs की वो आती है, 100 MCQs वो पर मंथ के करंट अफेयर्स की वो रिलीज करते हैं। अच्छा, तो वो 20 रुपीज की एक PDF होती है, वो मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी और उसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो उसको मैंने मतलब उसको भी मैंने कई बार कर रखा था क्योंकि कई चीजें एडुटेरिया में जो नहीं थी फिर वो उससे मार्क कर लिया। तो ऐसे मेरा मतलब करंट अफेयर सिर्फ 2 चीजों पर टिका था, एक तो एडुटेरिया और दूसरा जो घटनाक्रम का करंट अफेयर का MCQs था, ये वो। और सर बाकी तो घटना चक्र करनी पड़ती है, स्पेशली जो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके लिए मैंने की थी, और 2-4 टॉपिक्स जो फ्रिंज एरियाज होते हैं बेसिकली, वो ये तो हो गया कोर टॉपिक्स। फिर कुछ फ्रिंज एरियाज होते हैं,
और हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी वीकनेसेस होती है। जैसे मेरे क्लाउड्स के क्वेश्चंस गलत होते थे, मेरे ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत होते थे, तो मैं वो छोटे छोटे क्लाइमेटोलॉजी जो था एरिया, हाँ, तो मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट्स को एक पेपर में लिख रखा था। तो जब जैसे मैं थोड़ा खाली बैठती थी, कुछ करती थी, तो कोई वीडियो देख लिया या किसी बुक से उठा के पढ़ लिया, जो मेरी मोटी बुक्स रखी हुई मेरे पास या नोट्स थे, तो इस तरीके से करना मतलब मुझे बेटर लगता है। फिर तीसरी चीज होती है आपका कि सेंसस पूछता है जैसे यूपी में, या फिर आपको यूपी की यूपी स्पेशल की चीजें पूछता है, तो वो सारी चीजें आपको अलग से लिख के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो आपके ना तो लूसेंट में ना तो ये आपके किसी और चीजों में है। तो होलिस्टिकली करने के लिए आपको यूपी स्पेशल करना पड़ेगा, सेंसस करने पड़ेंगे, फिर आपके जो इंडिविजुअल वीक टॉपिक्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सर ये पूरा होलिस्टिकली मतलब मेरा ये प्लान प्रीलिम्स के लिए होता था, और मैंने मॉक टेस्ट बहुत ही लगाए थे। मैंने लास्ट में मतलब होता था कि फुल्लेंट टेस्ट 3-4-5 लेके आ गई थी मैं, तो वो मतलब मैंने क्रॉसली कर लेती थी वो टेस्ट। मतलब आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाए इसमें? नहीं सर, मैंने मॉक बहुत ज्यादा नहीं लगाए, मैंने मतलब 4-5 टेस्ट ही लगाए होंगे लास्ट क्लास में, क्योंकि एक तो घटना चक्र जो होती है वो खुद एक एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है, तो वो पढ़ते पढ़ते आपको एक रफ आइडिया हो ही जाता है ऑप्शंस का और बाकी चीजों का। ठीक है, काफी डिटेल में आपने ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताई है। मतलब लिटरली अगर बच्चा अगर ध्यान से सुनेगा तो उसके आधे डाउट तो दूर ही हो जाएंगे। स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर वाला पार्ट आपने बताया है, वो भी दो स्पेसिफिक सोर्सेज से। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में एक तो मेरे ख्याल से आपने मेंस दिया था ऑप्शनल के साथ, एक मेंस बिना ऑप्शनल के साथ, तो कहां पे लगा कि दर्द खत्म हुआ है ऑप्शनल का, वो मजा आया था या फिर आपको चाहिए था ऑप्शनल, वो फीडबैक बताइए मुझे। एक्चुअली सर मेरा लास्ट टाइम मतलब जो मेंस में मेरे नंबर थे तो औरों के कंपैरिजन मेरे ऑप्शन में थोड़े कम नंबर थे, आपको ऑप्शनल 10-12 नंबर कम थे, सोशियोलॉजी था सर। ओके ओके, और लेकिन जब इस बार ऑप्शनल हटा तो शायद मैं थोड़ी सी रिलेटिवली खुश थी फिर कहेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा था कि चलो एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी, थोड़ा सा एक आपका चेंज होगा पढ़ने का भी, और दूसरा था कि आपको जैसे मैंने हमेशा एक चीज फॉलो की है कि एक ही रिसोर्स, जैसे मैंने पेपर 5 पेपर 6 के लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस थे या लोग भी 10 तरह की बातें कह रहे थे, ये बुक अच्छी वो बुक अच्छी, मैंने सिर्फ एक बुक उठाई ओनली आईएएस की जो आती है बुक पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए, वो मैंने उठाई। मैंने शून्य आईएएस से डेटा एंड फैक्ट का एक पूरा डेटा था, उसमें वुमेन से रिलेटेड डेटा था, और यूपी का तो हालांकि नहीं था, हेल्थ था, वुमेन एजुकेशन, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, आईटी सेक्टर, ये सारे डेटा थे। तो सब पे मैंने दो से तीन डेटा को तुरंत पहली रीडिंग में हाईलाइट कर लिया था, और रोज मॉर्निंग वॉक के मेरा रूटीन होता था कि मैं 10 मिनट वो डेटा को पढ़ूंगी, पूरा ग्रॉसरी पढ़ूंगी। तो अराउंड वो 50-60 पेजेस थे, तो वो मैं मॉर्निंग में उठ के एक बार वो पढ़ती ही पढ़ती थी। तो वो मेरा एक डेटा का वीकनेस था, पहले वाले मेंस में 22 के मेंस में मैंने डेटा नहीं याद किया था, तो इस वजह से भी मेरे नंबर कम थे। दूसरा अगर पेपर 5-6 की बात करते हैं, तो मैंने वो एक एक बुक उठाई थी ओनली आईएएस की, और वो बुक्स बहुत अच्छी लिखी गई है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे है कि आपको इंट्रो देंगी पहले, फिर उसके प्रॉब्लम्स देंगी, सॉल्यूशंस देंगी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, वे फॉरवर्ड देंगी, वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड बुक है, तो उसमें आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, आप सिर्फ पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, वैसे वाला है। तो वो पेपर 5-6 के लिए मैंने वो किया था। ठीक है। एंड ये जो इंटरव्यू के डिफरेंट इंटरव्यू जो दो आप इंटरव्यू फेस किए हैं, व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड पहले में और दूसरे में, क्या था क्वेश्चंस, मतलब रीजन क्या था कि क्या परफॉर्मेंस आपकी थी, आपने एनालाइज तो किया होगा इस बार में? सर दोनों इंटरव्यू में जैसे अभी तो मुझे मार्क्स नहीं पता है इस बार के, लेकिन लास्ट ईयर के मार्क्स मेरे आउट ऑफ 100 में 70 मार्क्स थे, तो मतलब मेरे इंटरव्यू दोनों ही बार अच्छे गए थे, लेकिन मेंस में थोड़ी मोड़ी मतलब वीकनेसेस थी, तो फिर उस वजह से मतलब रुक गया था सिलेक्शन। बिल्कुल, कुछ आइडिया है क्या सवाल पूछे जा रहे थे इंटरव्यू में इस साल के? हाँ सर, इंटरव्यू में जैसे मुझे इस बार का जो उनका बैंड लगा वो मुझे लगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर ज्यादा था, क्योंकि जैसे मेरा तो पूरा इंटरव्यू ही इस पे चला था, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी था बीए में, तो इसलिए उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था कि वुमेन का क्या रोल है यूपी में, या फिर वुमेन और मैन में इनइक्वालिटी है, और आपको क्यों लगता है कि इनइक्वालिटी है, ये चीजें थी। फिर उन्होंने मुझसे इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में मेरा ग्रेजुएशन में था, तो उन्होंने मुझसे एक पोएट्री की लास्ट की 4 लाइन्स पूछी थी, तो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं उसको कैसे याद करूं। तो फिर मेंबर इतने अच्छे थे, उन्होंने खुद ही बता दिया कि बेटा ये 4 लाइन्स होती हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया था। अच्छा। तो बहुत ही कॉर्डियल नेचर था बोर्ड का, तो बहुत ही मतलब अच्छा नेचर था। ओके ओके ग्रेट। इस पूरे पूरे प्रोसेस में आपने मतलब
एक एस्पिरेंट जो है ना, वो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, मे बी निधि आप मुझे बताना, कि पढ़ाई जो है वो 30-40% होती है, लेकिन जो वो बाकी का 30-40% होता है वो हमारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद किसी का रिलेशनशिप होगा, किसी का पेरेंट, किसी की फैमिली, फिर स्ट्रेटजी बनाना, फिर अप्रोच बनाना, सोर्सेज इकट्ठा करना, सो और ऑफ कोर्स 10% उसमें हम लक का भी एक फैक्टर कर सकते हैं। आपके केस में किसको कितना वेटेज आप देना चाहेंगे? सर मैंने तो अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनिशियली से जैसे मतलब मेरा जो रूटीन रहता था वो होता था मॉर्निंग 6 to 9, 10, मतलब इसके ना तो मैं 10 के बाद पढ़ती थी चाहे मेरा कल ही मेंस हो, और ना तो मैं इसके पहले था, मतलब ऐसा नहीं होता था मेरा कि कभी ज्यादा पढ़ लिया कभी कम पढ़ लिया। एक टाइम होता था कि 6 बजे उठना है, 7-7:30 बजे पढ़ने बैठना है, और बीच में जो आपके ब्रेक्स होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर और वो सबके थोड़े मोड़े, तो ओवरऑल जो होता था वो यही रूटीन रहता था, तो मुझे कभी रूटीन से दिक्कत नहीं हुई। और दूसरी की मेरी हैबिट थी योगा करने की, और ये मतलब मैं क्लास 3rd से थोड़ा ना थोड़ा जैसे योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इट्स लाइक कि मतलब मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक रहती थी। अब कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है चीजों को लेकर के, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे को था कि घर पे बात कर लिया दीदी से, दोनों दीदी हैं वो दोनों बहुत सपोर्टिव थी, समझाती थी, तो इस तरीके से मतलब चीजें चलती थी। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम फेस करते हैं एस्पिरेंट, जो स्पेशली मैं भी करती थी, एक तो था कि प्लान करना, दूसरा बात कि अगर प्लान स्टिक नहीं हुआ तो फिर वो आपका आगे जाके बैकलॉग होते जाता है और आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि आज इतना पढ़ना था पढ़ नहीं पाया, फिर कल का बच गया। तो ये जो ओवरऑल चीजें होती हैं इसको आप बैलेंस ऐसे कर सकते हो कि आप थोड़ा सा टेंटेटिव रख सकते हो, थोड़ा सा मतलब अगर आपको 15-20 pages पढ़ने थे तो कोई बात नहीं, अगर 19 pages हुआ तो वो एक पेज का आपको लोड नहीं लेना है, बस आपको उसको एज अ होल अगर आप एक वीकली एवरेज निकालो तो थोड़ा सा एक आइडियल एवरेज होना चाहिए पढ़ने का। तो ये जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सबका छूटता है, हम लोग जैसे कोई भगवान नहीं होते जिनका होता है कि उनका सभी पढ़ लेते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है सबके साथ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल था कि क्या अगर इस बार भी अगर आपका नहीं होता तो क्या फिर से आप देते? सर ये तो इंटरव्यू वाले मतलब बोर्ड ने भी मुझसे पूछा था कि आपका लास्ट ईयर हुआ नहीं था, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंने कहा था सर फिर से लगेंगे, क्या कर सकते हैं, ये UPSC है, फिर से देंगे एग्जाम, फिर से होगा नहीं होगा, चाहिए नहीं है तो। ग्रेट ग्रेट। तो आप कब तक मतलब एक प्लान होता है कि मेरा प्लान बी ये था, कुछ प्लान बी आपने रख रखा था या फिर सिर्फ और सिर्फ यही था? नहीं सर एज सच मतलब प्लान बी था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर वाली चीजें नहीं कर सकती थी, लाइक MBA BBA या कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर के कोर्सेस, तो मेरा मतलब अल्टीमेटली यही था, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ नहीं, ऐसा वाला सीन था। मतलब यही था करना। बीइंग अ वुमन हाउ डू यू फील, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ वुमन इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही दो चीज पे हमारी जो घर की माता जी लोग हैं मम्मी लोग हैं वो शायद नहीं मिल पाता था उनको पुराने टाइम पे, इमोशनली भी वो डिपेंड रहती थी अपने बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, और फाइनेंशियली तो खैर रहती ही थी। तो बीइंग अ वुमन हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी लिटरली बोथ इंडिपेंडेंट और आई थिंक ये जनरेशन भी पास ऑन होती है। सर डेफिनेटली अच्छा तो बहुत लग रहा है बीइंग अ वुमन स्पेशली, क्योंकि एक्चुअली ना आप प्रूफ करते हो कि आपको वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि अगर मेरा हुआ तो मेरे जो आसपास के लोग थे दे आर आल्सो सेंडिंग देयर गर्ल्स टू दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद समवेयर एल्स की मतलब ठीक है पढ़ाई करो जाके, तो दैट गिव्स मी अ काइंड ऑफ मोरल बूस्ट कि अगर मतलब एक इंसान करता है तो उसकी पॉजिटिविटी कितनी दूर तक जाती है। तो ये मेरे सबसे अच्छा है कि उन वुमेन को भी एक मौका मिलेगा जो शायद अभी तक उनको नहीं मिल रहा था और अब मिलेगा। जी आपके प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले यही था SDM? हाँ सर SDM था। एंड सेकंड थर्ड फिर वही चलते? हाँ सर DSP था फिर ट्रेजरी ऑफिसर था ऐसे करके। ओके ओके ग्रेट। अच्छा लगा काफी बात करके आपसे। बस एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि 2024 का प्रीलिम्स है PCS का, आप अपनी तरफ से ये जो बचे हुए हैं लगभग 50-60 दिन, क्या एक मे बी गाइडेंस आप देना चाहते हैं कि इन लास्ट के 30-32 दिनों में आप क्या करें क्या ना करें, वो बच्चे जो कि डेडिकेटेड हैं, जो कि सीरियस हैं? जी देखिए दो तीन चीजें आपको बिल्कुल मतलब जो था नहीं बिल्कुल उसके लिए लग जाना है। पहला तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, दूसरा कि करंट अफेयर का लर्निंग का प्रोसेस मैंने पहले बताया वैसे करना है, रिवर्स लर्निंग कि आपने थियरी में तो पढ़ लिया प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए।
दूसरी तीसरी चीज है कि आपको निमोनिक्स बनाना ही बनाना है, इतने फैक्ट्स आपको रट नहीं सकते, आप निमोनिक बनाइए तरह तरह के, तो वो एक फॉलो करिए स्ट्रेटेजी। दूसरा है रिविजन, आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की प्रीलिम्स वो उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप वहां पे और बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे। और रिसोर्स मत इकट्ठा करिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही है, पीटी की रिविजन सीरीज आ रही है या बहुत सारे कोर्सेस क्रैश कोर्सेस आ रहे हैं, इसके पीछे मत भागिए। आपने जितना पढ़ा है सफिशियंट है, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपको मेन एग्जाम में दिक्कत कर सकता है। इसलिए मोर रिविजन, मोर प्रैक्टिस, मोर मॉक टेस्ट एंड फाइनली करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच निधि, बहुत ही इनसाइटफुल सेशन आपने दिया था और कुछ बातें आपने बहुत अच्छे दिल से कही हैं और वो मेरे ख्याल से वो सही जगह पहुंचेगी, बच्चों के पास पहुंचेगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, अड्डा 24/7 आपको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देता हूँ, आपने टाइम निकाला, स्काई इज योर लिमिट, रुकना नहीं है आपको। आज आपने अपने गांव कस्बे में नाम रोशन किया है, कल आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना भी पड़ सकता है, सो स्काई इज योर लिमिट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर टू मीट यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।